नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाल केले के सीड्स लेके आई हूँ। ये मेरे गार्डन के ही निकाले हुए सीड्स हैं, मैंने अपने हाथों से ही निकाले हैं। ये सीड पॉट ऊपर ब्राउन कलर का हो जाता है और इतने सीड्स बहुत हार्ड हो जाते हैं, जैसे पत्थर, जैसे आप चना मटर देखते होंगे जो साबुत तो आता है और सूखा हुआ रहता है, इसी तरीके से ये सीड्स हैं। ये बिल्कुल गोल होते हैं, ये लाल कलर की केले के सीड्स हैं। केले जैसे उसके पत्ते रहते हैं, जो केले के पत्ते रहते हैं। आज हम इसकी सीडलिंग करना देखेंगे दोस्तों। ये मैंने पूरा गीला करके रखा हुआ है दोस्तों। अब इसमें हम होल कर लेंगे जितने हमको सीड्स लगाने हैं दोस्तों। ये हम सीडलिंग कर रहे हैं, इसमें हम जितने भी अच्छे प्लांट्स निकलेंगे हम उनको अलग निकाल लेंगे और एक ही गमले में एक ही प्लांट्स रखेंगे। अभी हमारा ये सीडलिंग करने का तरीका है दोस्तों। आपके पास सीडलिंग ट्रे है तो उसमें भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं एक 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 इसमें रख रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये सीड्स आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा रही हूँ दोस्तों। मैं एक होल में एक ही सीड्स रखी हूँ। अब इन सीड्सों को हम एक इंच करीब नीचे इसको दबा देंगे और उस ऊपर से मिट्टी दब देंगे। सीड्सों को नीचे दबा दें जरूर, जिससे कि कोई चिड़िया वगैरह या कोई जानवर आके नहीं खाए और हमको उसकी सीडलिंग पूरी प्राप्त हो दोस्तों। एक सीड्स में बीच में भी डाल दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने सीडलिंग पूरी लगा दी है, आप देख सकते हैं। और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, आप देख रहे हैं मिट्टी कितनी गीली है। हमारे यहाँ बारिश आई थी तो अब मैं इसमें ऊपर से पानी नहीं डाल रही हूँ दोस्तों। अब देखते हैं कितने दिन में इसमें सीडलिंग चालू होती है, मैं अपडेट वीडियो के साथ आपके सामने पेश करूँगी दोस्तों। आप सीडलिंग ट्रे में भी भर के सीड्सों को लगा सकते हैं। मैंने ये एक गमले में 6-7 सीड्स लगाए हैं, एक इंच के करीब नीचे करके लगाए हैं। तो उसके भी आने में ऊपर थोड़ा 5-6 दिन का समय लग सकता है दोस्तों। अब हम देखते हैं कब तक इसमें उगके आते हैं और अपडेट वीडियो के साथ मैं आपको पेश करूँगी दोस्तों अपने प्लांट्स को। ये लगाने के बाद इसमें अगर आपकी सूखी मिट्टी है तो पानी डाल दीजिए। पानी जब तक नीचे तक डालिए कि नीचे ज़मीन में बहने नहीं लग जाए, तब तक इसका पानी बंद नहीं करना है। और अगर पानी वाली मिट्टी है तो ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको डेली थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। देखिए मेरी पूरी मिट्टी गीली थी तो मैंने इसमें पानी ऊपर से नहीं डाला है, बस मिट्टी से सीड्सों को ढक दिया है दोस्तों। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सीडलिंग दिखाई है। अभी आप अपने घर में भी गार्डनिंग करना चालू कीजिए और मुझे यही खुशी होगी कि मैं आपको कुछ अच्छा से सिखा सकी। तो मेरी वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं हमेशा जवाब देती हूँ। आप कभी भी मेरे वीडियोस को ओल्ड को उठाकर देख सकते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय फ्रेंड्स।